दोस्तों अगर आप भी जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह को दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों हिंदुस्तान के सबसे बड़े हीरो जसप्रीत बुमराह ने अपने पहले आग उगलती हुई गेंदबाजी से अफगानिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया को दिलाई कभी न भूलने वाली जीत और फिर बने मैन ऑफ द मैच। लेकिन फिर इसका पूरा क्रेडिट उन्होंने रोहित को देते हुए कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर तो पूरा हिंदुस्तान बुमराह को सलाम करने पर मजबूर हो गया। तो आखिर कैसे बुमराह ने अफगानिस्तान के खिलाफ दिलाई जीत, कैसे बुमराह ने पलट दिया मैच, जीत के बाद बुमराह ने क्या कुछ दिया दिलजीत लेने वाला बयान। बुमराह का बयान तो हम आपको उनके मुंह से सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इस मैच में सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह में कौन है रियल हीरो, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों सुपर 8 में भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को 47 रनों से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। सूर्य कुमार यादव ने 53 रनों की पारी से अफगानिस्तान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। वहीं जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह ने 3-3 विकेट झटक कर भारत को कभी न भूलने वाली जीत दिलाई। जी हाँ, इन दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला बारबाडोस के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान के सामने 8 विकेट खोकर 20 ओवर में केवल 181 रन बना लिए। भारत की तरफ से सबसे अधिक रन सूर्य कुमार यादव ने बनाए। वहीं इसलिए लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान टीम की भी शुरुआत कुछ खास नहीं रही। जसप्रीत बुमराह की आग उगलती हुई गेंद के आगे अफगानिस्तान के एक भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं सके। फिर अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने मिलकर मैच को पलट दिया। अंत में अर्शदीप सिंह ने भी 3 विकेट झटक कर अफगानिस्तान को 134 रनों के स्कोर पर भारत 20 ओवर में ऑल आउट कर दिया और भारतीय टीम ने इस मुकाबले को बड़ी आसानी से 47 रनों से अपने नाम कर लिया। भारतीय टीम की जीत देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम रहा था, हर तरफ खिलाड़ियों की तारीफ हो रही थी। वहीं भारतीय खेमे में भी खुशी का माहौल था, हिंदुस्तान में मानो दोबारा दिवाली मनाई जा रही हो। वहीं इस मैच के रियल हीरो रहे जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर गेंदबाजी करते हुए केवल 7 रन दिए और 3 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। उसके बाद इन्होंने इंटरव्यू देते हुए रोहित शर्मा को लेकर कह दिया कुछ ऐसा जिससे जीत लिया करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल और इनका बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। तो चलिए अब हम आपको जसप्रीत बुमराह का वो दिल जीत लेने वाला बयान सुनाते हैं, कैसे उन्होंने अपने बेहतरीन गेंदबाजी का पूरा क्रेडिट रोहित को देते हुए क्या कहा है। अपनी कातिलाना गेंदबाजी से जीत दिलाने के बाद जसप्रीत बुमराह ने बयान देते हुए रोहित को लेकर कहा कि मैं टीम इंडिया की जीत से काफी खुश हूं, उससे ज्यादा खुश मैं अपने प्रदर्शन से हूं। मेरे प्रदर्शन का पूरा क्रेडिट रोहित भाई को जाता है, उन्होंने जल्द डिसीजन लिया, मुझे गेंद थमाई और मैंने अपना 100% दिया जिसके कारण हमने विकेट लिया और मैच को पलट दिया। इस बार हमारी टीम पूरी फॉर्म में है, हम उम्मीद करते हैं कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत कर हिंदुस्तान लौटेंगे। सभी खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, सूर्या ने शानदार प्रदर्शन दिखाया, मेरे प्रदर्शन का पूरा श्रेय रोहित भाई को जाता है, उन्होंने मुझे बताया था किस तरह से गेंदबाजी करनी है और मैं इस तरह गेंदबाजी की और मुझे विकेट मिला। हम इसी तरह से बेहतर प्रदर्शन करते रहेंगे और टीम इंडिया को जरूर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दिलाएंगे, ये मेरा हिंदुस्तान से वादा है। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से भारत को जीत दिलाने के बाद जसप्रीत बुमराह ने दिल जीत लेने वाला बयान दिया। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है भारतीय टीम इस बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत पाएगी या नहीं, नीचे कॉमेंट करके जरूर। दोस्तों जैसा कि आप तो जानते ही हैं कि T20 वर्ल्ड कप अब अपने सुपर 8 के चरम सीमा पर पहुंच चुका है। यहां पर भारतीय टीम अपने ग्रुप में पहला मुकाबला अफगानिस्तान के खिलाफ बारबाडोस के मैदान पर खेलने के लिए उतरी। कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और वहीं अफगानिस्तान के खिलाड़ियों को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। भारत की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर एक बार फिर रोहित शर्मा के साथ विराट की जोड़ी उतरी। वहीं अफगानिस्तान की तरफ से पहले ओवर लेकर आए फजल हक फारूक की बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन तभी रोहित ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू किया और पांचवी गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपना और अपनी टीम का खाता खोला। वहीं अंतिम गेंद पर रोहित ने सिंगल लेकर भारतीय टीम को पहले ओवर में 5 रनों तक पहुंचा दिया। टीम की शुरुआत शानदार हो चुकी थी। वहीं अफगानिस्तान की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में मोहम्मद नबी शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। भारतीय टीम का स्कोर 2 ओवर में केवल 8 रनों तक बन पाया। अफगानिस्तान की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर फजल हक फारूकी खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे और फजल हक फारूकी ने अपने ओवर की पांचवी गेंद पर अपना शिकार कप्तान रोहित को बना लिया और राशिद खान के हाथों कैच पकड़वाकर अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी। भारतीय टीम को 11 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। रोहित शर्मा टीम के लिए केवल 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।
लेकिन विराट कोहली मैदान पर टिके हुए थे। अब इनका साथ देने के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत आ चुके थे। ऋषभ पंत आते ही फजल हक फारूकी के ओवर की अंतिम गेंद पर शानदार चौका जड़कर टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ाया और अपना खाता खोला। भारत का स्कोर 3 ओवर में बड़ी मुश्किल से 16 रनों तक पहुंच पाया। अफगानिस्तान की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर मोहम्मद नबी। अपने शिकंजे में कसकर रखा हुआ था मोहम्मद नबी के ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर सिंगल डबल से 9 रन बटोर लिए और टीम इंडिया के स्कोर को 4 ओवर में 1 विकेट पर 25 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं 5वें ओवर में अफगानिस्तान की तरफ से बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिला और गेंदबाजी करने आए नवीन उल हक, लेकिन कोहली ने ओवर की चौथी गेंद पर एम्पायर के ऊपर से शानदार छक्का जड़कर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और नवीन उल हक की जमकर कुटाई कर दी। अब ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट होते हुए दिखाई दे रहे थे। इस ओवर से भी भारतीय बल्लेबाजों ने मिलकर 9 रन बटोर लिए और टीम इंडिया के स्कोर को 5 ओवर में 1 विकेट पर 34 रनों तक पहुंचा दिया। अफगानिस्तान की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए एक बार फिर विकेट की तलाश में मोहम्मद नबी। इनका स्वागत ऋषभ पंत ने दूसरी गेंद पर अपना प्रचंड रूप दिखाते हुए शानदार चौका जड़ दिया और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। ऋषभ पंत इसके बाद भी रुके नहीं, ओवर की तीसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। यहाँ भी ऋषभ पंत का बल्ला थमने का नाम नहीं लिया, चौथी गेंद को भी चौके में तब्दील कर हैट्रिक चौका जड़ दिया और टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया और भारतीय टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में ही इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 47 रनों तक विकेट पर 1 पहुंचा दिया। वहीं अफगानिस्तान की तरफ से पावर प्ले के बाद 7वां ओवर लेकर आए राशिद खान। दोनों बल्लेबाज इनके ओवर में संभल कर सिंगल डबल लेकर खेल रहे थे। चौथी गेंद पर कोहली ने सिंगल लेकर भारतीय टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया और दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 50 रनों की साझेदारी भी बनाई। वहीं राशिद खान के ओवर की 5वीं गेंद पर ऋषभ पंत ने शानदार चौका लगाकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन इस चौके का बदला राशिद खान ने अपने ओवर की अंतिम गेंद पर ले लिया और ऋषभ पंत को LBW आउट कर पवेलियन भेज दिया। भारतीय टीम को 54 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया। ऋषभ पंत टीम के लिए 11 गेंद पर 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम का स्कोर 7 ओवर में 54 रनों तक 2 विकेट पर पहुंच चुका था, लेकिन विराट कोहली अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब सूर्य कुमार यादव आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। 8वां ओवर लेकर आए अफगानिस्तान की तरफ से विकेट की तलाश में नूर अहमद और उनके शानदार गेंदबाजी का उन्होंने नजारा दिखाया, लेकिन इस ओवर से विराट और सूर्या ने मिलकर 6 रन बटोर लिए और टीम इंडिया के स्कोर को 8 ओवर में 60 रनों तक 2 विकेट पर पहुंचा दिया। लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से 9वां ओवर लेकर आए एक बार फिर राशिद खान और इस ओवर में आते ही उन्होंने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर विराट कोहली को अपना शिकार बना लिया और भारतीय टीम की पूरी तरह से कमर तोड़ दी। 63 के स्कोर पर टीम के 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। विराट कोहली 24 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने चले गए, लेकिन सूर्य कुमार यादव मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए शिवम दुबे आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को संभाला और 10 ओवर तक भारत के स्कोर को 79 रनों तक पहुंचाया, लेकिन शिवम दुबे भी कुछ खास नहीं कर पाए। 11वां ओवर लेकर आए राशिद खान ने शिवम दुबे को LBW कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम की पूरी तरह से कमर तोड़ दी। 90 रनों के स्कोर पर टीम इंडिया को चौथा झटका लग गया। 10 रन बनाकर शिवम दुबे पवेलियन लौट गए। अब सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए हार्दिक पांड्या आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया। धीरे धीरे टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा था। हार्दिक पांड्या भी आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया की पारी को संभालते हुए 15 ओवर में 126 रनों तक 4 विकेट पर पहुंचा दिया। वहीं सूर्य कुमार यादव अपने अर्धशतक के बेहद करीब आ गए। इसके बाद भी सूर्य कुमार यादव रुके नहीं, फजल हक फारूकी के ओवर में शानदार छक्का और चौका लगाकर अपना अर्धशतक केवल 27 गेंद में ठोक दिया, लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर सूर्य कुमार यादव फजल हक फारूकी के शिकार हो गए।